राजनीति संभावनाओं का खेल है, यही वजह है कि आइडियोलॉजी पीछे रह जाती है। बिहार में AIMIM के 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए, जिसके बाद राज्य में सत्ता का पूरा आंकड़ा बदल गया है। अकेले RJD के पास 80 विधायक हो गए हैं। महागठबंधन की बात की जाए तो ये आंकड़ा 116 तक पहुंचता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों पर आजकल चर्चा ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र में जिस तरह से गुटबाजी के चलते उद्धव ठाकरे की इस्तीफा हुआ है, उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है। अब कुछ ऐसे ही आसार बिहार में बनते हुए नजर आ रहे हैं। JDU के पास 46 विधायक हैं। अगर RJD और JDU के विधायकों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 126 पहुंचता है और मैजिक नंबर 122 है। सत्ता के नए आंकड़ों ने BJP में बेचैनी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को CM नीतीश से मुलाकात किए और बुधवार को सत्ता का डेटा बदल गया। मिली जानकारी की माने तो अब जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर BJP के नेताओं के बीच असंतोष बढ़ता जा रहा है, उसके आधार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हाथ मिलाकर बिहार में BJP को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि आजकल तेजस्वी और नीतीश की नज़दीकियों पर चर्चा ज़्यादा हो रही है। बिहार में बदले सत्ता के नए आंकड़ों ने BJP के कान खड़े कर दिए हैं। कई मुद्दों पर धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार की चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में JDU को 2 सीटें ऑफर की गई हैं। RP सिंह ने अब तक मोदी कैबिनेट से इस्तीफा नहीं दिया। वैसे भी ये अपने आप में आश्चर्य की बात है कि AIMIM के विधायकों ने JDU से पहले RJD को चुना। आपको बता दें, साफ तौर पर बिहार में कुछ इस तरह के समीकरण बन रहे हैं जिससे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में पहले तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार को मनाना पड़ेगा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद RJD JDU गठबंधन करके एक बार फिर से सत्ता हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।